Ladies and gentlemen, boys and friends, investors and want to be investors, if you want to start your own profitable business, if you want to make millions, if you want to get financial freedom, then start your profitable business with minimum 30% of profit. Join the revolution of 30%. Hey, Opesing here. Welcome, friends. Welcome to our show, The Money Show Season 2.0. I'm here to talk about your business, finance and money. और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां आप अपना बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके बारे में लोग कम जानते हैं और उसने अपने आप को रिसेंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ कोंगो की। दोस्तों ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। कोंगो को मोस्टली एक कंट्री माना जाता है। कोंगो दो नेशंस हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक है रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ कोंगो की, जिसको बोला जाता है कोंगो ब्राजविल। दोस्तों अंतर क्या है, पहले आपको ये समझना होगा दोनों देशों में अंतर क्या है, समझने से पहले रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रिपब्लिक ऑफ कोंगो दो अलग अलग कंट्रीज हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को जाना जाता है कोंगो किनशासा के नाम से, क्योंकि उसकी कैपिटल किनशासा है, और रिपब्लिक ऑफ कोंगो को जाना जाता है कोंगो ब्राजविल के नाम से, क्योंकि इसकी कैपिटल ब्राजविल है। दोनों कंट्रीज का बॉर्डर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग नेशन है, एक ही लैंग्वेज चलती है दोनों में फ्रेंच, लेकिन करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोस्तों दोनों कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की पॉपुलेशन है 9 करोड़ के आसपास, 9 CR के आसपास, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोंगो की पॉपुलेशन है 60 लाख के आसपास, जमीन आसमान का अंतर है। और दोस्तों इसी अंतर के साथ हम आज का शो चालू करते हैं रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में बहुत कम नॉलेज मिलती है। और नाम को सर्च भी करते हैं ना कहीं तो हमको DR कोंगो की ही नॉलेज मिलती है। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोंगो आपके लिए लेके आई है बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो इनका नया इन्वेस्टमेंट कोड है उसने बहुत सारे बेनिफिट दिए इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे आप उनकी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी सिंगल वीडियो में बताऊंगा, एज वेल एज मैं ये बताऊंगा आप एक कंट्री से कैसे बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हमको जानना जरूरी है। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बात करते हैं तो इसकी करेंसी है CFA फ्रेंक, इसका मतलब फ्रेंच जोन का मेंबर है, और इसके आसपास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां फ्रेंच चलती है और CFA फ्रेंक की करेंसीज भी वर्क करती है। दोस्तों CFA फ्रेंक करेंसी की कंट्री नहीं है, लैंग्वेज भी इसकी फ्रेंच है। रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल है ब्राजील। बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, 800 से 900 इंडियंस हैं, मोस्टली बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग में, टूर एंड ट्रेवल्स, सुपरमार्केट चेन जैसे सेक्टर। इंडियन कंपनीज में सतगुरु ट्रेवल्स एक अच्छे लेवल से अच्छे एम्प्लॉयमेंट के साथ में वर्क कर रहे हैं। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोंगो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, तो उसके रीजन क्या है, कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि हम रिपब्लिक ऑफ कोंगो में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो है इसके पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं और सपोर्टिंग इंडस्ट्री आपके साथ में खड़ी होती है। आयरन ओर में जा सकते हैं आप माइनिंग के अंदर, फॉस्फेट, पोटेशियम और गुड़ का बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए अगर हम आज रिपब्लिक ऑफ कोंगो की बात कर रहे हैं तो उसके नियर बाई कंट्रीज को भी समझना होगा। रिपब्लिक ऑफ कोंगो का बॉर्डर लगा हुआ गैबून से, जिसका आपने मेरा वीडियो देखा होगा, गैबून के अंदर 85% एरिया फॉरेस्ट है, टिम्बर इंडस्ट्री के बहुत सारे जोन बने हुए हैं जिसमें से टिम्बर इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टिम्बर का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर गैबून का बॉर्डर लगता है तो एज वेल एज टिम्बर की अपॉर्चुनिटीज रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है, कोंगो के अंदर भी है। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोंगो ब्राजील की हम बात करते हैं बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम इसके फर्टाइल लैंड की बात करें तो 10 मिलियन हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है कोंगो ब्राजील के अंदर, लेकिन 2 मिलियन हेक्टेयर ही केवल कल्टीवेट हो रहा है। बहुत सारी एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं जो एग्रो कमोडिटीज से जुड़े हुए हैं। अगर हम कोंगो में
आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या ये कॉस्टली कंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या ऐसी कंट्री है जो लो इन्वेस्टमेंट कंट्री में आती है। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक लो इन्वेस्टमेंट कंट्री है, यानी कि आप बहुत ही कम बजट के अंदर अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। अगर लीगल राइट्स की बात करते हैं, एक फॉरेनर की कंपनी और लोकल कॉन्गोलीज कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को बराबर राइट दिए गए हैं। आप इजीली किसी भी सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सारे सेक्टर आपके लिए ओपन है, चाहे माइनिंग में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए या मैन्युफैक्चरिंग में जाए, किसी भी सेक्टर में जाइए, सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें आप इजीली कम अमाउंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर फोर एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी ओपन होने वाले हैं। जैसे ही ये चारों इकोनॉमिकल जोन ऑपरेट हो जाएंगे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में, बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स के साथ में, जैसे कि 50% टैक्स रिडक्शन, और भी आपको वहां की गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है क्योंकि इनका टारगेट है कंट्री को टॉप पर लेके जाना, और उसके लिए इनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं। आज हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जाते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज का बड़ा मार्केट हमें मिलता है, क्योंकि अगर हम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बिजनेस करते हैं तो गैबून, कैमरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज फ्रेंच जोन की कंट्री है, CFA फ्रेंच करेंसी और फ्रेंच ही लैंग्वेज बोली जाती है। इसका फायदा क्या है, जो आपकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग है वो इजीली सारी कंट्रीज में सेल जा सकती है, इवन एक ही MRP पर सारी कंट्रीज में प्राइस पर, एक ही प्राइस पर सारी 4 से 5 कंट्रीज में माल बेचा जा सकता है। और साथ साथ एक तरफ पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां एटलीस्ट आपकी ब्रांडिंग सेम चल सकती है क्योंकि लैंग्वेज सेम है फ्रेंच, बॉर्डर लगा हुआ है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आप एंट्री कर आप अपने आप को एक बड़े लेवल से ले जा सकते हैं, लेस कंपटीशन है, अभी अभी फॉरनर्स के लिए ओपन हुआ है, एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां आप अपना $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, जहां आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, कॉन्गो आपके लिए बेस्ट और हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सेक्टर्स ओपन, नए जोन्स बनाए जा रहे हैं, नियरली 4 to 5 कंट्रीज में आप अपने बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट बेस पर आकर नियर बाई 4 to 5 कंट्रीज में आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अपनी कंपनी डालना चाह रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग और एज वेल एज टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप इजीली घुस सकते हैं, क्योंकि नई डेवलपिंग कंट्री है, आप इजीली एंट्री कर अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डाल रहे हैं और आप सोचते हैं बड़े लेवल से इन्वेस्टमेंट कर हाई प्रॉफिटेबल प्राइस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, तो हमको कैसी कंट्री चाहिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत है, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए आपको सूटेबल कंट्री बैठती है। साथ साथ जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और सारी प्लांट एंड मशीनरी लेके जाते हैं, और मानिए आपको आने वाले 2 साल 3 साल में उस प्रोजेक्ट के बाद में अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो नियर बाई बहुत सारी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, DR कॉन्गो एज वेल एज गैबून, कैमरून, आप बहुत सारी कंट्रीज में नए कॉन्ट्रैक्ट लेकर सेम कंट्री से उन कंट्री में भी वर्क कर सकते हैं, इजिली अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आपकी यूनिट लगाइए नए जो 4 स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स बने हैं उनके अंदर, उसका फायदा आपको ये मिलेगा, आपको बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस मिलेंगे, और एज वेल एज गैबून, कैमरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और DR कॉन्गो में आपका माल इजीली जा सकता है बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स के साथ। अगर आप एक्सपोर्ट बेस लगा रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट इजीली जा सकते हैं इसकी नई बायलैटरल ट्रीटीज के साथ में, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मेंबर है CMEC का, सेंट्रल अफ्रीकन इकोनॉमिकल एंड मॉनेटरी कम्युनिटी का, इसका मेंबर होने की वजह से इसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आसपास की सारी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत सारे सेक्टर ओपन हैं, अभी अभी फॉरेनर्स के लिए ओपन हुआ मार्केट है, बहुत कम इंडियंस है, बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ मार्केट है। एग्रीकल्चर में भी 10 मिलियन हेक्टेयर फर्टाइल लैंड में से केवल 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर ही केवल कल्टीवेशन होगा। तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं एग्रो कमोडिटीज के सेक्टर में जाकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाकर, मैन्युफैक्चरिंग में जाकर, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपनी कंपनीज को लॉन्च करकर। माइनिंग में आप जा सकते हैं, नया नया कंट्री डेवलप हो रहा है, बहुत सारे माइनिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं कौन कौन सी माइनिंग अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली किस किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया से सबसे ज्यादा जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, राइस, राइस वहां के मेन फूड में आता है, इंडिया से बहुत अच्छे लेवल से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाइसिकल्स, फैब्रिक और एज वेल एज दोस्तों बहुत सारे अदर इक्विपमेंट जिनकी वहां जरूरत पड़ती है। इंडिया इंपोर्ट भी करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल स्क्रैप, मेटल ओर जैसी चीजें इंडिया इंपोर्ट भी करता है। आज आप इजीली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एंट्री कर सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों मैं हमेशा लोगों को बहुत सारी डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताता हूं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमारे इंडिया को लोकल से वोकल बनाएंगी। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है इंडिया को नेक्स्ट लेवल लेके जाना। वो इंडिया की स्मॉल स्मॉल कंपनीज, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से बात करें तो ऐसी ऐसी कंपनीज है, स्मॉल स्मॉल कंपनीज है जो अपने डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन में फंसी हुई है। अगर हमको आगे निकलना है तो हमको ऐसे मार्केट चाहिए जहां हम अपने प्रोडक्ट को बेटर लेवल से लॉन्च कर सकें। हमारा इंडिया कब ग्रो होगा? जब हमारे प्रोडक्ट लोकल से वोकल होंगे। आज बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने आप को कहीं भी लॉन्च कर सकती है, उनके पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनके प्रोडक्ट में दम है और आपको लगता है आप लोकल से वोकल हो सकते हैं, तो आप ऐसे मार्केट में जा सकते हैं जहां लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रहे हैं। मतलब कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बजट 50 लाख है, आपका बजट 1 करोड़ है, आपका बजट 2 करोड़ है और आपका बजट 40 लाख है या आपका बजट 20 लाख है, आप इजीली अपने बजट के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 800 इंडियंस ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिसमें रॉयल स्पाइस और जयपुर रेस्टोरेंट जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। आपको वहां जाके लगता ही नहीं है किसी अफ्रीकन कंट्री में है। अगर आप देखें एक ऐसा सिनेरियो कि अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, इंडियंस कहाँ है? सारी कंट्रीज में है, चाहे डेवलप कंट्री है चाहे लीस्ट डेवलप कंट्री है, सिक्योर कंट्री है चाहे अनसिक्योर कंट्री है, इंडियन कंपनीज आपको सारी जगह बिजनेस करती हुई मिल जाएंगी। दोस्तों हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है पैसा बनाना है तो। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, गैबून, कैमरून, आइवरी कोस्ट, बेनिन, टोगो, अल्जीरिया, सेनेगल, इथियोपिया, कीनिया, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में, और आपको एक आइडिया मिलता है किस कंट्री में हम कितने बजट में एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से हमें टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, क्यों हम वहां इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इफ यू वांट टू मेक योर एम्पायर, इफ यू वांट टू बिल्ड योर एम्पायर, इफ यू वांट अ फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको चाहिए प्रॉफिटेबल बिजनेस 30% रूल के साथ। इंडिया में हम टैक्स देते हैं 30%, आज हमें चाहिए प्रॉफिट वो भी 30% के साथ, तब जाकर लाइफ में कोई चेंज हो। दोस्तों याद रखना, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप अपनी फैमिली का वो मेंबर हो सकते हैं जो आप अपने आपके परिवार को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आज आप अपनी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी बना सकते हैं। आपका जो ड्रीम लेके आपने कंपनी ओपन की थी ना कि हाँ हमारे प्रोडक्ट ऐसे जाएंगे, मैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये मेरी डिजाइनिंग है, ये मेरी वेबसाइट है और मेरे प्रोडक्ट का लेवल ऐसा है, मैं इतना क्वालिटी के साथ माल बनाऊंगा, वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में पहुंच सकता है। लीडर में और पोजीशन पे बैठे हुए आदमी में केवल एक ही अंतर होता है दोस्तों, जो एक्शन लेता है वो लीडर होता है, जो पोजीशन पे बैठा होता है वो लीडर नहीं होता। अगर आप पोजीशन पे बैठे हैं और एक्शन लेना नहीं चाहते तो आप लीडर नहीं है। एक्शन लेते हैं तो ही आप लीडर कहलाते हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको चाहिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिट के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जाइए जिसमें कंपनी भी आपकी है
प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी है, लोकल पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, सारे राइट्स आपके पास में है। ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ कीजिए, ऐसे बिजनेस में ना जाए जैसे कि एमएलएम हो गया, शेयर मार्केट हो गया, रिस्की बिजनेस में मत जाइए। आज ओवरसीज बिजनेस रिस्की बिजनेस में नहीं आता, हमारे बहुत सारे क्लाइंट बैठ कर पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आप ही की कंपनी, आप ही के इक्विपमेंट, आप ही के नाम सारी चीज है, आप ही का लैंड और आप ही की फैक्ट्री, आप ही के प्रोडक्ट, और मार्केट प्रॉफिटेबल है, आप अच्छी तरह से जा सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आप भी स्टार्ट कर सकते हैं आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस 30% रूल के साथ, शुरू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून।